बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। इसकी वीडियो में मैं दोपहर का खाना तैयार करूँगी। आज की वीडियो में मैं बनाऊँगी आलू पुलाव। तो ये चीज़ें रखी हुई हैं, काट लूँगी पहले। सबसे पहले तो प्याज काटेंगे। टमाटर छील लेने हैं। चलो जी, प्याज भी छिल के रख ले सी, टमाटर मिर्चा भी तुम कट लेने हैं ना। सारी चीज़ा असं चूल्हे को लिया रख दी हैं, तो हम अभी सब तो पहले अग जलावे। अग असी बाल ली है तो हम उपर कढ़ाई रख दें तो चावल बना चिट्टा करके बाल लिया तेल साडा गर्म हो गया तो हम पहले सब तो पहले कड़े खड़े मसाले पा लेंगे तो थोड़ा जहां भुन लेंगे। भुन तो बाद प्याज पावे असी भुन लिया, हम असी पाने प्याज दो प्याज असी कटे सी बरीक बरीक। प्याज बिच पा के घेर गोल्डन ब्राउन करा तो बाकी चीजा बिच पावे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया तो हम अभी तेल टमाटर कट्टे से चार पाँच हरिया मिर्चा हम ये पाने। अभी तक भुना भी हम जो तक टमाटर काफ़ी चंगी तरह गाल नहीं जाते। टमाटर साढ़े अच्छी तरह गल गए तो हम ये पावे असं मसाले सुके। डेढ़ टी स्पून नमक आ एक टी स्पून लाल मिर्च, आधा टी स्पून काली मिर्च। मिक्स कर
ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ 2 ਬਾਲ ਆਉਣੇ ਤੱਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਬਾਲ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਭੇਕ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਚਾਵਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਦਮ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕਦਮ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।